हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये मेन टॉपिक से जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन वेरी मच नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। सो आज जो टॉपिक लेके हम लोग बात करेंगे वो है हॉकिंस प्रेशर कुकर लेके। आप लोग देख रहे हैं इधर दो हॉकिंस प्रेशर कुकर मैंने रखा, दो ही 1.5 लीटर का है, एक स्टील का है एक एल्युमिनियम का है, पर उससे कुछ भारी नहीं होता, स्टील एल्युमिनियम ठीक है, 1.5 लीटर दोनों का। पर अगर हुईसेल आप लोग देखें, ये हुईसेल दो किस्म का है, दो किस्म का हुईसेल है। ये वाला जो हुईसेल है ये पुराना वाला हुईसेल, पुराना मॉडल का हुईसेल, जो हुईसेल जो हॉकिंस में 1972 से है, एंड ये पूरा फुल हुईसेल देता था, जोर जोर से हुईसेल बनता था इसमें। पर ये जो हुईसेल है ये नया किस्म का हुईसेल है, ये हुईसेल थोड़ा सा छोटा है इसके मुताबिक, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है। एंड इसका जो इंट्रोडक्शन हॉकिंस ने किया था 2005 में, एंड इसका इंट्रोडक्शन करने का कारण हॉकिंस ने जो बोला था, इसमें खाना जल्दी पकता है, ये हुईसेल से खाना जल्दी पकता है, ये हुईसेल इंसर्ट एंड रिमूव करना बहुत इजी है, एंड इस हुईसेल से दाल अगर आप लोग उबलते हैं तो दाल उबलने के समय जो फ्रॉदिंग होता है, जो दाल बाहर निकल आता है, इस हुईसेल से कम होगा। पर हम लोग हॉकिंस बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं एज ए यूज़र्स, हॉकिंस कंपनी तो बोले हैं एज पर साइंस एंड उन लोगों का क्या बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, पर एज ए यूज़र हमारा व्यू थोड़ा सा अलग है, वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए, पहला ये जो नया जो इम्प्रूव्ड प्रेशर रेगुलेटर ये लोग बोल रहे हैं, दिस इज़ ओल्ड रेगुलेशन सिस्टम, दिस इज़ न्यू रेगुलेशन सिस्टम। सो हॉकिंस का बोलना है ये न्यू रेगुलेशन सिस्टम बेहतर है इसीलिए क्योंकि ये इंसर्ट एंड एग्जिट करना बहुत आसान है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये भी इंसर्ट एंड एग्जिट करना बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ जोर नहीं लगा रहा है मैंने। सो ये एक बात है, तो हॉकिंस ने ये जो बोला है ये दरअसल पूरा भूल बोला है। सेकंड बात, इस हुईसेल से दाल उबलने के समय कम फ्रॉदिंग या कम दाल बाहर निकलता है, ऐसा भी भूल है। मैं एक वीडियो मेरे पास है, मैं वो वीडियो आप लोगों को अभी कुछ देर बाद दिखाऊंगा। एंड और जो बात है, ये हुईसेल से बहुत जल्दी खाना पकता है कंपैरिजन टू दिस हुईसेल। सो ठीक है, तो आज मैं जो करूँगा, ये देखिए मेरे पास छोला का चना का दाल है, छोला दाल बंगाली में बोलता है, मैं पूरा 150 ग्राम करके दाल लिया हूँ, पूरा सेम अमाउंट ऑफ दाल मैंने लिया। एंड ये मैं ये 2 कप अमाउंट है, तो मैंने इसमें 4 कप पानी डालूंगा, थोड़ा सा नमक हल्दी और तेल डालूंगा, एंड ये 2 प्रेशर कुकर में मैं ये दोनों दाल को उबालूंगा। एंड ये जो छोटा वाला गैस है, ये छोटा वाला गैस में ही उबालूंगा, एंड एक हुईसेल आने के बाद दोनों में, ताकि एक्सपेरिमेंट में कोई बायसनेस ना रहे, ताकि दोनों में एक हुईसेल आने के बाद गैस कम करके 4 मिनट में छोड़ दूंगा, उसके बाद गैस बंद कर दूंगा, देखते हैं कैसा हुआ है। तो पहले वाला मैं ये जो पुराना वाला मॉडल है ये पुराना वाला मॉडल से ही करता हूँ, उसके बाद ये नया इम्प्रूव प्रेशर रेगुलेटर से देखते हैं क्या होता है। ओके, सो आप लोग देखिए, मैं ये दाल, ये जो पुराना वाला प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम है जिससे हम लोग बहुत परिचित है, इस प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम से मैंने बिठाया है, सेम अमाउंट दाल सेम अमाउंट पानी मैंने इसमें भी तैयार करके रखा है। हाँ, पहले इसको लगा दे, हुईसेल लगा दो और 4 मिनट वेट कर लो, पूरा सेम ताकि एक्सपेरिमेंट में कोई डिफरेंस ना रहे। इनफैक्ट पूरा दोनों कुकर ही 1.5 लीटर का ही है, पर हुईसेल सिस्टम अलग है। ये पुराना वाला हुईसेल सिस्टम थोड़ा सा जोर से हुईसेल होता था, बहुत लंबा हुईसेल होता था, ताकि हम लोग हुईसेल काउंट करके कर सकते, और इसमें बहुत छोटा छोटा हुईसेल आता है, 1 मिनट में 5 या 6 हुईसेल आ जाता है। सो तो हॉकिंस को बोलना है एक हुईसेल या 2 हुईसेल आने के बाद गैस को कम कर दीजिए। हम लोग इसमें भी वैसे ही करते हैं, पर इसका हुईसेलिंग सिस्टम में हम लोग बहुत परिचित है, बहुत यूज टू हो गए हैं। तो देखते हैं हॉकिंस जो बोला है वो सच है या भूल है, वो देखते हैं। सो सेम एक्सपेरिमेंट मैंने लगा के रखा, तो 2 कप दाल, दोनों में चना का दाल या छोला दाल 2 कप मैंने धोके, 4 कप पानी, दोनों में सेम ही है, 4 कप पानी, थोड़ा सा नमक हल्दी और तेल, और छोटा गैस आँच में मैंने बिठाया है, एक हुईसेल मैं दे दूंगा एंड गैस कम करके 4 मिनट रखूंगा, उसके बाद पूरा प्रेशर निकल जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो पहले वाला ये जो लॉन्ग हुईसेल सिस्टम जो पुराना वाला है, ये नया वाला बेहतरीन जो है, बेहतरीन हॉकिंस जो बोल रहा है इसमें इंसर्ट एंड ये करना बहुत आसान है, इसमें भी सेम है, ये देखिए सेम ही है, सो नो डिफरेंस।
ये वाला तो पहला वाला जो हॉकिंस ने बोला था, इंसर्ट एग्जिट बहुत आसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पुराना वाला भी सेम है, नया वाला भी सेम है, सो इसमें कुछ अंतर या डिफरेंस नहीं है। तो इसमें हॉकिंस जो बोला है वो सही नहीं है मेरे मुताबिक, एज ए यूजर्स मैंने इसका रिव्यू कर रहा हूँ, ये जो हॉकिंस बोल रहा है एज ए यूजर्स मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। सो देखते, सो फर्स्ट व्हिसल आ रहा है, इसके बाद मैं गैस कम करके 4 मिनट रखूँगा। देखिए फर्स्ट व्हिसल हो गया, मैंने पूरा गैस को कम कर दिया, क्योंकि ये छोटा कुकर है ना 1.5 लीटर का, तो गैस कम करने में ठीक रहेगा। सो अभी मैं 4 मिनट काउंट करूँगा, 4 मिनट के बाद इसको मैंने गैस बंद कर दूंगा और इसको मैंने गैस में बिठाऊँगा। सो पहले वाला देखते हैं। देखिए ये जो पुराना वाला व्हिसलिंग सिस्टम है, इसमें मैंने तो डाल बिठाया था, एक व्हिसल आने के बाद गैस कम करके मैंने 4 मिनट रखा भी है। सो अभी 4 मिनट कंप्लीट हो गया है। सो मैं इस कुकर को जस्ट इस ओवन से उठा के मैं दूसरे ओवन पे ट्रांसफ़र कर दूँगा, लाइक दैट। ओके, सो मैं इधर कर दूँगा। और ये जो प्रेशर कुकर है सेम 1.5 लीटर का है, इसके तरह सब कुछ मैंने सेम सेम रखा है, पर व्हिसलिंग सिस्टम अलग है, हाँ। और ये स्टेनलेस स्टील है, ये एलुमिनियम है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये पुराना वाला व्हिसलिंग सिस्टम में जो मैंने एक्सपेरिमेंट रखा, सेम ही मैं ये नया वाला व्हिसलिंग सिस्टम में भी रख रहा हूँ, जो हॉकिंस को बोलना है बहुत इजियर इंसर्ट एंड एग्जिट, इंसर्ट एंड एग्जिट। सो सेम ही है, दोनों में मैंने आप लोगों को दिखाया सेम ही है। मैं एक हाथ में ये, एक हाथ से मैं ये काम कर रहा हूँ, और इसमें खाना जल्दी पकता है, तो वो तो देखते ही है, अभी तो चल रहा है, इसका तो बन गया है, इसका भी देखते हैं, हाँ। एक व्हिसल देने के बाद गैस कम करके 4 मिनट में रखूँगा, क्योंकि चना का दाल है, और देखते हैं। इसमें बोलते हैं दाल जब उबलते हैं तब जो फ्रॉदिंग होता है, जो दाल बाहर निकलते आता है, इससे कम इसमें होता है, लेस दाल स्प्राउटिंग। सो देखते हैं दाल फ्रॉदिंग। तो ठीक है, पहले इसको खाना होने दीजिए, और मैं एक वीडियो इधर ही मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, तो इसमें बहुत सारा झाग भी निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो एज ए यूजर्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एज ए यूजर्स मैं जो मेरा जो बोलना है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये व्हिसल सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, और बहुत सारे को भी हो रहा है। सो हॉकिंस को यही बोल, हॉकिंस को यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये व्हिसल को फिर से रिलॉन्च कीजिए, क्योंकि काम सेम ही बनता है, पर काम सेम बनता है, या मैं तो देखा हूँ, मैं ये एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। सो आप लोग जस्ट देखिए, वेट कीजिए। सो ये न्यू रेगुलेशन, प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम है व्हिसल। सो एक व्हिसल आ गया, तो अब देखिए मैंने गैस को कम कर दिया, अब मैं 4 मिनट काउंट करूँगा, 4 मिनट के बाद मैं गैस बंद कर दूँगा, एंड देखूँगा ये दोनों में कैसे पकाए। ये पुराना वाला रेगुलेशन सिस्टम जिसको हॉकिंस ने चेंज करके ये नया वाला रेगुलेशन सिस्टम लाया है, बोल रहा है इसमें खाना जल्दी बनेगा, तो देखते हैं। मैंने तो सेम सब कुछ लगाया है, पर गैस कम करने के बाद भी इसमें व्हिसल आता है, इसमें भी बीच बीच में आता है, पर इसमें आता है। सो ठीक है, तो देखते हैं खाना दोनों में कौन सा, कौन दोनों ही हॉकिंस का है, ये नया रेगुलेशन सिस्टम, ये पुराना रेगुलेशन सिस्टम, तो कौन में बेहतर बनता है। सो देखिए 4 मिनट कंप्लीट हो गया है, तो मैं अभी गैस को ये स्विच ऑफ कर दिया है। सो अभी पूरा वेट करते हैं, इसका प्रेशर निकल गया है, इसका प्रेशर निकलने के लिए वेट करते हैं, और बीच में मैं दिखाता हूँ जो हॉकिंस कंपनी को बोलना है, इस प्रेशर नया जो बेहतरीन प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम, ये पुराना वाला से इसमें दाल फ्रॉदिंग, जब दाल आप लोग उधर उबल रहे हैं, दाल फ्रॉदिंग बहुत कम होता है, व्हिसल से झाग कम निकलता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट एंड सी। सो आप लोग देखिए इसमें दाल बिठाया हुआ है, देखिए फर्स्ट व्हिसल आया है, सेकेंड एंड थर्ड व्हिसल में देखिए कितना झाग निकलेगा, ये नया व्हिसलिंग सिस्टम है, देखिए झाग निकला, आप लोग देख रहे हैं ना, इधर देखिए झाग निकला है, एंड थर्ड व्हिसल में देखिए कितना झाग निकलेगा, तो देखा। सो हॉकिंस का जो बोलना है इस प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम में झाग निकलता नहीं है पुराना वाला के मुताबिक, सो देखिए कितना कितना झाग निकल रहा है, पूरा गैस को गंदा कर दिया है। तो ये रेगुलेशन सिस्टम को लेके क्या फ़ायदा बोलिए, तो कुछ फ़ायदा तो नहीं है। तो यही मैंने ये वीडियो से मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करने का थोड़ा सा कोशिश किया है, एंड एज ए कस्टमर, एज ए बहुत पुराना कस्टमर ऑफ हॉकिंस एंड यूजर्स ऑफ हॉकिंस, मेरा घर वालों ने भी ऐसा ही बोला है। सो ये जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म करना है, सो एज ए कस्टमर रिव्यू दिस इज़। सो अब देखते हैं उधर गैस में जो मैंने छोड़ के आया है उसका क्या हल हुआ है।
सो देखिए दोनों का प्रेशर निकल गया है, तो मैंने ये जो पुराना वाला है, मैं ये पुराना वाला को उठा रहा हूँ, जो पुराना हुइसल सिस्टम वाला है। सो इसमें मैंने देख रहा हूँ दाल, दाल को मैं ये देखिए दाल सही ढंग से पक भी गया है, ठीक है। और ये नया जो बेहतरीन हुइसल वाला सिस्टम जो है, अभी इसमें देखते हैं इसमें दाल कैसा पका है। ये देखिए दाल पूरा सही ढंग से पक गया है। सो दोनों में देखिए खाना बनने का टाइम का कुछ डिफरेंस भी नहीं रहा है। दाल का जो बनना है इसमें भी जैसा बना है, इसमें भी वैसा बना है, बहुत गर्म गर्म है। सो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। सो पूरा सही ढंग से ही बन गया है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। सो तो आप लोगों को समझ में आया, जो ये जो पुराना वाला हुइसलिंग सिस्टम है हॉकिंस का, इसमें भी जैसा तुरंत खाना बनता है इसमें भी वैसा ही तुरंत खाना बनता है। तो एज ए यूज़र मुझे बोलना है हॉकिंस कंपनी को, सो मैं हॉकिंस कंपनी को बहुत बार मेल भी भेज चुका हूँ। सो उन लोगों ने कुछ रिप्लाई भी नहीं किया है। ये कंपनी का एक बिजनेस है। सो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, एंड आप जो कॉमन लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं यूज़र्स, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा जांच कीजिए, क्योंकि ये पुराना वाला हुइसलिंग सिस्टम में हम लोग यूज टू है, बहुत ठीक ठाक था, इसका इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो यही मैं बोल रहा हूँ, दोनों ही सेम है। तो पुराना वाला अगर रख देते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, या नया वाला का लाने का कोई मायने ही नहीं रखता, पुराना वाला से ही काम चल जाता है। सो इसी से साथ मैं ये रिव्यू को ख़त्म कर रहा हूँ, एंड फिर से कोई दूसरा एक रिव्यू या कोई वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। एंड जाने से पहले फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ ए कस्टमर रिव्यू, मेरा पर्सनल रिव्यू है एज ए हॉकिंस यूज़र। हॉकिंस ने जो नया जो हुइसलिंग सिस्टम को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, ये हुइसलिंग सिस्टम ठीक नहीं रहा, क्योंकि पुराना वाला ही ठीक था, पुराना वाला ही सही है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो 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 हॉकिंस ने बोला है, जो जो दावा किया है, जल्दी खाना बनता है, डाल फ्रॉडिंग कम होता है, या इंसर्ट या एग्जिट करना बहुत आसान है, कुछ भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो रहा है, तो सभी पुराना जैसे सेम सेम है। सो ये हुइसलिंग सिस्टम लाने का कोई मायने ही नहीं रह रखता। सो ये पुराना वाला जो हुइसलिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग परिचित है, लॉन्ग हुइसल आता है, यही जिंदाबाद है। सो अब आप लोगों को सोचना है आप लोग क्या करेंगे। सो मैं तो सोच रहा हूँ अभी हॉकिंस ना खरीद के कोई दूसरा कंपनी, जो लोकल कंपनी है, सभी अभी ISI बन के ही आ रहा है, जो हॉकिंस से ज़्यादा या हॉकिंस से बेहतर भी है, तो ठीक है वही कंपनी यूज़ करेंगे। हॉकिंस और हॉकिंस का दाम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये नामुमकिन हो गया है ख़रीदना। एक 1.5 लीटर कुकर का दाम है 1000 रुपया लगभग। तो आप लोग मार्केट में लोकल कंपनी को आपको ISI मार्क वाला मिल जाएगा, लगभग हाफ दामों में 550 या 600 में मिल जाएगा, तो क्यों हॉकिंस ले अगर काम सेम सेम ही बन रहा है। सो ये भी मैंने एक दूसरे वीडियो पे, पहले वाला वीडियो में मैंने दिखाया। सो अभी आप लोगों को सोचना है, जागो ग्राहो जागो। थैंक यू, बाय बाय।